Good morning, students. Myself, Professor Hiral Bausa from Raphael College, Vapi. I am going to teach you environmental science subject. In last lecture, we discussed about the what is environment, scope of environment, and components of environment. Now we continue our chapter number 1. In today's session, we discuss the importance of environment, institutions in environment. Importance of environment. Environment is not a single subject. It is an integration of several subjects that includes both the science and social studies. Environment single subject nahi hai. It is a multidisciplinary nature subject. That is, to understand all the different aspects of environment, we need to understand the biology, chemistry, physics, geography, resource management, economics, and population issues. That's why it is called multidisciplinary studies. Thus, the scope of environmental studies is extremely wide and covers some aspects of nearly every major discipline. We live in a world in which natural resources are limited, right? अभी क्या हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे हैं, तो वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड हो गए. वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, ऑयल, द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियंस एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक आर ऑल अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. विदाउट देम लाइफ इट्सेल्फ वुड बी इम्पॉसिबल, राइट? विदाउट वाटर वी कांट लिव, राइट? पीने के लिए अगर पानी नहीं होगा तो हम नहीं जी सकते हैं. अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्ट है, जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, वो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, राइट? एज वी कीप इंक्रीजिंग इन नंबर्स एंड द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज ईच ऑफ अस यूजेस ऑल्सो इंक्रीजेज, द अर्थ रिसोर्स बेस मस्ट इनइवाइटेबली श्रिंक, राइट? जैसे अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर हम हमारा पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और तो जितने भी बचे हैं रिसोर्सेज उसका भी हम यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जितने भी रिसोर्सेज बचे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे. द अर्थ कैन नॉट बी एक्सपेक्ट टू सस्टेन दिस एक्सपांडिंग लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अर्थ उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. हम जितना भी पॉपुलेशन, जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना रिसोर्सेज का यूज़ भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जितने बाकी है वो धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं, राइट? क्योंकि इट इज़ अ वास्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एड टू दिस इज मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज. वी वेस्ट और पॉल्यूट लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेचर्स क्लीन वाटर. वी क्रिएट मोर एंड मोर मटीरियल लाइक प्लास्टिक दैट वी डिस्कार्ड आफ्टर अ सिंगल यूज. एंड वी वेस्ट कॉलोसल अमाउंट्स ऑफ फूड विच इज़ डिस्कार्डेड एज गार्बेज, राइट? वी वेस्ट और पॉल्यूट द लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेचर्स क्लीन वाटर. हम पानी का क्या कहते हैं, वेस्ट करते हैं. जैसे आप डे टू डे लाइफ में हर रोज़ काम करते हो, तो अगर आप लोगों को ब्रश करना रहता है तो नल खुला रख देते हैं, राइट? कपड़े धोने हैं तो उसमें भी नल खुले रख देते हैं, तो हम ये वेस्ट कर रहे हैं. हमने रिवर्स में देखिए, हम सब भी पूजा मटेरियल्स होते हैं वो सब वहाँ पे डाल देते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो हमारा जो वाटर है रिवर का वो पॉल्यूट हो जाता है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्रिएट अ सॉलिड वेस्ट बाय प्रोडक्ट दैट आर डिस्कार्डेड. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्रीज रहते हैं, उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो भी कहाँ पे जाता है, रिवर में जाता है. उसमें से जो केमिकल निकलता है वो भी कहाँ पे जाता है, रिवर में जाता है. उसमें से जो गैसेस निकलते हैं वो एयर को पॉल्यूट करता है, राइट? एंड एज वेल एज केमिकल्स दैट फ्लो आउट एज अ लिक्विड वेस्ट पॉल्यूट द वाटर एंड गैसेज दैट पॉल्यूट द एयर. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट cannot be managed by natural processes. ये जितना भी हम waste कर रहे हैं वो natural processes उसे manage नहीं कर सकते, और इसकी वजह से क्या होता है, तो सारे disease produce होते हैं. जैसे कि these accumulate in our environment leading to the variety of disease and other adverse environmental impact now seriously affecting all our lives.
एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिजीज, राइट। एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन से डिजीज होंगे? तो अगर आपके एयर के अंदर ओजोन का लेयर बढ़ जाएगा, कार्बन मोनोक्साइड होगा, राइट, उसके अंदर, तो आपको कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? तो अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉल्यूटन एयर को ब्रीथ करेंगे तो उसकी वजह से कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन कैन मिक्स्ड इन अवर ब्लड सिस्टम और उसकी वजह से आपको क्या होगा? हार्ट की डिजीज़ होगी, राइट। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा? तो गैस्ट्रो रिलेटेड डिजीज़ होंगे। अगर आपने सेफ वाटर पिया है तो ठीक है, क्लीन वाटर पिया है, फ्रेश वाटर पिया है तो ठीक है, बट पॉल्यूटेड वाटर अगर आप लोगों ने लिया है तो उसकी वजह से क्या होगा? टाइफॉइड होगा, कॉलेरा होगा, डायरिया होगा, मलेरिया होगा, ऐसे डिजीज़ आपको हो सकते हैं। एंड मैनी पॉल्यूटेंट आर नोन टू कोज दी कैंसर। दिस सिचुएशन विल ऑनली इम्प्रूव इफ ईच ऑफ अस बिगिन्स टू टेक एक्शंस इन अवर डेली लाइफ दैट विल हेल्प प्रिजर्व अवर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ये सिचुएशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो हम डे टू डे लाइफ में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज, उसका कम से कम यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करें। जैसे कि आप लोग देखिए, पानी का हम जो वेस्ट कर रहे हैं वो कम कर लें, राइट। जैसे एयर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट। तो दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में ऐसा रूल बनाया गया था ऑड इवन डे एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए, राइट। तो ऐसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्लास्टिक का हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो सारे वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम रिवर में मत डालें, और उसके लिए क्या बनाए, हम डस्टबिन बनाए, वो सारे हम डस्टबिन के अंदर रखें, तो राइट। ये जो हमारा सारे डे टू डे लाइफ में हम जो वर्क कर रहे हैं उस पर हमें क्या करना है, वेस्ट को कंट्रोल करना है, राइट। We cannot expect governments alone to manage the safeguarding of environment. हम सिर्फ government को नहीं बोल सकते कि आपको ये करना है, साथ में हमें भी करना है। Nor can we expect other people to prevent the environmental damage. Government को नहीं बोलना है और दूसरे को नहीं बोलना, हमें खुद हमसे ही start करना है। We need to do it ourselves. जैसे बोलते हैं ना, charity begins at home. हमें पहले खुद से करना है, फिर बाद में सबको बताना है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ईच ऑफ अस मस्ट टेक ऑन एज वन ओन, राइट। तो हमें अपने आप से पहले खुद से स्टार्ट करना है, फिर दूसरों को बताना है कि अभी जितने भी रिसोर्सेज बचे हैं हमें उसका कम से कम यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन उसका यूज़ कर सके, राइट। द दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट। Now the next topic is institution in environment. There are so many institute in environment who create the awareness about the environment. They develop the policy related to environmental problems, right? That are their role in the environment. There have been several government and non-government organizations that have led to environmental protection in our country. बहुत सारी government and non-government organization हैं जो environmental protection के लिए policies बनाती है in our country. They have led to growing interest in environmental protection and conservation of nature and natural resources. कैसे conserve करना है nature को, उसके बारे में वो सारी policies बनाती है, they awareness करती है people को कि हमें कैसे conserve करना है, सारे कैंपेन करते हैं, होल्डिंग्स बुक पब्लिश करते हैं। द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस दैट वर पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियाज कल्चर हैव हाउएवर ग्रेजुअली डिसअपीयर। पब्लिक अवेयरनेस इज थस अ क्रिटिकल नीड टू फर्दर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अमंग द लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट डील विथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, अ फ्यू वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और उसको डेवलप पॉलिसी करती है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 10 इंस्टीट्यूट के बारे में सीखेंगे, और आज के वीडियो में हम सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट का देखेंगे, बाकी के 5 इंस्टीट्यूट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एग्जाम में आपको 7 मार्क्स के अंदर आता है लिस्ट डाउन दी इंस्टीट्यूट इन एनवायरमेंट, तो आपको 7 मार्क्स के अंदर कम से कम 7 to 8 इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्क्राइब करना है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा लिस्ट डाउन दी इंस्टीट्यूट इन एनवायरमेंट, तो सिर्फ उसके नेम लिखने हैं, बट आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया 7 मार्क्स के अंदर, तो आपको 7 to 8 इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा डिस्क्राइब्ड करना है, राइट। तो नाउ वी स्टार्ट इंस्टीट्यूट इन एनवायरमेंट। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज
Bombay Natural History Society, Mumbai. The what is the full short form of this institute is BNHS. What is the short form of this institute is BNHS. तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNHS. BNHS मींस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, राइट. आपको याद रखना है व्हाट इज BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. नाउ द BNHS बिगेन एज अ BNHS began as a small society of 6 members in 1983 में स्टार्ट हुआ था और वो क्या था, 6 members का था. Its major contribution has been in the field of wildlife research. उनका major contribution किस में है, तो wildlife research के अंदर. It is India's oldest conservation research based NGO and one that has act at the forefront of the battle for species and ecosystems. The BNHS publishes a popular magazine called Hornbill and also an internationally well-known journal on natural history. The BNHS ne publish kiya tha popular magazine. कौन सा, हॉर्नबिल. तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है विच मैगजीन पब्लिश बाय BNHS, तो उसका नाम क्या है, हॉर्नबिल. तो आपको याद रखना है. एंड इट्स अदर पब्लिकेशन इंक्लूड दी सलीम अली हैंडबुक ऑन बर्ड्स, जेसी डेनियल्स बुक ऑफ इंडियन रेप्टाइल्स, एसएच प्रेटर्स बुक्स ऑन इंडियन मैमल्स एंड पीवी बोलेस बुक्स ऑफ इंडियन ट्रीज. तो दीज आर द पब्लिकेशन. One of its greatest scientists was Dr. Salim Ali, whose ornithological work on the birds of the Indian subcontinent is world famous. Salim Ali is an ornithologist, that means is an animal expert who studies the biology, psychology, care and curation of birds, both domestic and in the wild bird. ऑर्निथोलॉजी जो स्टडी करते हैं बर्ड्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स जो डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं. द BNHS हैज ओवर द ईयर्स हेल्प द गवर्नमेंट टू फ्रेम द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज एंड हैज़ टेकन अप बैटल्स सच एज द सेव द साइलेंट वैली कैंपेन. द दिस इज BNHS. Second one is Worldwide Fund for Nature, that is WWF 1, New Delhi. So what is the short form of WWF? Worldwide Fund for Nature. Now, the WWF 1 was initiated in 1969 in Mumbai, after which the headquarters were shifted to Delhi with the several branch offices all over the India. The early years focus attention on wildlife education and awareness. It runs several programs including the Nature Clubs of Indian program for school children and works as a think tank. Think tank means a body of experts. Jo experts ki body hai wo kya karti hai, providing and ideas and generate the advice to the different policies. It is an institute. जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पॉलिसीज जनरेट करती है एंड लॉबी फोर्स फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज. दिस इज सेकेंड वन. थर्ड वन इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSE, न्यू दिल्ली. CSE मींस सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट. एक्टिविटीज ऑफ दिस सेंटर इंक्लूड दी ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स, कैंपेन करती है, holding workshops and conferences and producing environment related publications. It publishes a major document on the state of India's environment, the first of its kind to be produced as a citizens report
ऑन द एनवायरमेंट. उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट. द सी एस ई ऑल्सो पब्लिश इज अ पॉपुलर मैगजीन. यस, ये आपको याद रखना है. सी एस ई ने कौन सी मैगजीन पब्लिश की थी, डाउन टू अर्थ, विच इज़ द साइंस एंड एनवायरमेंट फोर्टनाइटली. तो वो मैगजीन कैसे आती थी, फोर्टनाइटली मीन्स एवरी टू वीक, पीरियड ऑफ टू वीक्स, टू दो सप्ताह के बाद ये पब्लिश होता था डाउन टू अर्थ. इट इज़ इन्वॉल्व इन द पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, पोस्टर्स, वीडियो फिल्म्स एंड ऑल्सो कंडक्ट्स द वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स ऑन बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज़. ये क्या पब्लिश करता है, और बुक्स भी, पोस्टर्स, वीडियो फिल्म्स, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, सेमिनार कंडक्ट करते हैं, किसके ऊपर, तो कौन किसके इश्यू के ऊपर, तो बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वॉट, द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल है उसके रिलेटेड ये सारे वीडियोज, पोस्टर्स, बुक्स और वर्कशॉप सेमिनार अरेंज करते हैं. दिस इज थर्ड नंबर. फोर्थ नंबर इज CPR. CPR Environmental Education Center, Madras. The CPR EEC, that is Environmental Education Center, was set up in 1988. It conducts a variety of programs to spread the environmental awareness and creates an interest in conservation among the general public. It focused attention on NGOs, teachers, women, youth and children to generally promote the conservation of nature and natural resources. Its programs include components on wildlife and biodiversity issue. CPR EEC also produces a large number of publication. Right, this is another one. CPR, वो भी क्या करता है, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को अवेयरनेस करती है. राइट, प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं किसके, तो एनजीओस, टीचर्स, वुमन, यूथ एंड चिल्ड्रन. राइट, इन सबको ये प्रमोट करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एंड द फिफ्थ वन, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन CEE अहमदाबाद. द सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद वॉज इनिशिएटेड इन 1989. It has a wide range of programs on environment and produces a variety of educational material. CEE's training in environment education program has trained many environment educators. Right? तो ये जो CEE अहमदाबाद प्रोग्राम है वो बहुत सारे एनवायरमेंट एजुकेटर्स को ट्रेन करती है. राइट, तो दीज आर द फाइव इंस्टीट्यूशन वी डिस्कस इन दिस वीडियो. द रिमेनिंग फाइव institution discussed in the next video. Till then, stay happy, stay fit, goodbye, thank you.